इंडियन रेलवे पे एक और सुहाना दिन। वैगनाइन हरे भरे मौसम की सुबह में मिले फ्री टाइम में अपनी फेवरेट कैंडी लेने कैंडी शॉप की ओर जा रहा है। शॉप में पहुंचते ही उसने काउंटर पे अपनी फेवरेट कैंडी ऑर्डर कर दी। दुकानदार उसकी कैंडी लेने जा ही रहा था कि तभी वैगनाइन की नजर वहां पे लगे पोस्टर पे पड़ी, जो था नए बने लोको अपग्रेड वर्कशॉप का। वो पोस्टर देखते ही वैगनाइन को अब तक हुई सारी बातें याद आ गई। कैसे उसको हाई राइज लाइन पे ना जाने मिलने से वैग 12 के सामने उसका इंसल्ट हुआ था। ये सब याद आते ही उसने काउंटर पे हॉर्न बजा के उसकी कैंडी की ऑर्डर कैंसिल करने बोली। दुकानदार चौंक गया कि भला ऐसा क्या हुआ कि वैगनाइन ने कैंडी कैंसिल कर दी। और यहाँ वैगनाइन भागा दौड़ा अपनी नेक्स्ट ड्यूटी ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वैगनाइन पोर्ट टर्मिनल पे पहुंचा, जहाँ पे देश विदेश से आने वाला सामान बड़ी बड़ी शिप से अनलोड करके गुड्स ट्रेनों के जरिए उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता है। एंट्री गेट पे पहुंच के वैगनाइन ने देखा कि पोर्टयार्ड में दो मालगाड़ियां खड़ी थी। पहली गाड़ी खाली थी और दूसरी गाड़ी में स्टील कॉइल्स लोड होके वो ले जाने के लिए रेडी थी। वैगनाइन उस ट्रेन की तरफ बढ़ा। ऐसी ट्रेन्स को BFNV ट्रेन्स कहा जाता है। वैगनाइन ने अपने आप को उस BFNV ट्रेन से अटैच तो कर लिया, लेकिन ये ट्रेन लॉन्ग हॉल लोड वाली थी, यानी इन ट्रेनों को खींचने ज्यादा पावर लगती है। तो वैगनाइन अपनी पूरी ताकत लगा के उसे खींचने में लग गया। आखिरकार जैसे जैसे धीमे धीमे उसने इस ट्रेन को आगे खींच ही दिया। उस मालगाड़ी को लेके वैगनाइन एंट्री गेट पे पहुंचा। एंट्री गेट पे पहुंचने पे वहां पे उसने डिजिटल एंट्री की, जिससे उस BFNV ट्रेन की ड्यूटी वैगनाइन के नाम पे सेट हो गई। फिर वो उस ट्रेन को लेके उसके ड्रॉपिंग डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। दोपहर होते होते वैगनाइन उस मालगाड़ी को लेके उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया था। अब जबकि ये स्टेशन कोई बड़ा जंक्शन या यार्ड वाला लोकेशन नहीं था, तो इस मालगाड़ी को अनलोडिंग लाइन पे लगाने की शंटिंग भी वैगनाइन को ही करनी थी। तो बिना कोई वक्त जाया किए उसने अपने आप को मालगाड़ी से अलग किया और वो पीछे की तरफ चला आया। पीछे पहुंच के उसने सबसे पहले काबूस कोच को मालगाड़ी से डिटैच किया, ताकि वो अनलोडिंग लाइन पे ना चला जाए। अब एक और बार वैगनाइन ट्रेन के आगे की साइड आया। ट्रेन से अटैच होते वक्त उसका अंदाजा थोड़ा चूका और वो ट्रेन से धड़ाम से जा ठोका। खुश नसीबी से उसे कोई चोट वगैरह नहीं लगी। अब वैगनाइन ने उस ट्रेन को एक और बार जोर से आगे की तरफ खींचा। फाउलिंग मार्क पार्क करने के बाद अभी उसे रिवर्स में पुश करना था। तो
तो उसने उस मालगाड़ी को धीरे धीरे ढकेलना शुरू किया। और बड़ी सावधानी से उसने उस मालगाड़ी को अनलोडिंग लाइन पे लाके रख दिया। अब जैसे ही ये ड्यूटी कंप्लीट हुई, बैगनेन को एक नोटिफिकेशन आया कि आपके अकाउंट में 200 डूडल कॉइन क्रेडिट हो गए हैं। ये देख के बैगनेन को बहुत खुशी मिली। उसे हाई राइज पेंटोग्राफ लगाने के लिए 1300 डूडल कॉइन कलेक्ट करने थे, जिनमें से 200 डूडल कॉइन उसने यहीं पे कमा लिए थे। इस खुशी के कारण वैगनाइन को और जोश आया और वो ऐसे ही और ड्यूटीज की तलाश में निकल पड़ा। उस जज्बे के कारण अब वैगनाइन दिन रात काम करने लग गया था ताकि वो अपने 1300 डूडल कॉइन का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाए। ऐसे ही एक शाम वो एक कंटेनर गुड्स को लेके हंसते खेलते उसके डेस्टिनेशन पे छोड़ने जा रहा था। एक और बार वो उसी पॉइंट पे पहुंचने वाला था जहां से हाई राइज लाइन का टर्नआउट था। हाँ, वही पे जहां पे उसका इंसल्ट हुआ था, लेकिन इस बार वो दूसरी तरफ ट्रेवल कर रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उसे कुछ नजर आया। ध्यान से देखने पे उसे दिखा कि एक दूसरा वैगनाइन हाई राइज लाइन पे जाने की कोशिश कर रहा था। वो देख के ये वैगनाइन घबरा गया कि कहीं उसके जैसे उस दूसरे वैगनाइन को भी कहीं इंसल्ट ना सहना पड़े। वो दूसरे वैगनाइन को रोकना चाहता ही था, तब उसने देखा कि वो वैगनाइन तो बिना किसी दिक्कत के हाई राइज लाइन पे चला गया। ये होते देख इस वैगनाइन के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक वैगनाइन होने के बावजूद भी वो दूसरा लोकोमोटिव हाई राइज लाइन पे भला कैसे चला गया। तभी उसकी नजर पड़ी उस दूसरे वैगनाइन के रोड नंबर पे, और तब जाके उसको याद आया कि ये दूसरा वैगनाइन वही था जिसको उसने लोको अपग्रेड वर्कशॉप के यार्ड में हाई राइज पैंटोग्राफ के साथ देखा था। तब जाके इस वैगनाइन को समझ आया कि अच्छा, इसको हाई राइज पैंटो लगा हुआ है, इसलिए उसे वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सब होते देख इस वैगनाइन ने अपने टारगेट पे एक और बार स्ट्रॉन्ग फोकस कर लिया और हाथ में लिए हुए काम को पूरा करने के लिए आगे निकल पड़ा। उसे जल्द से जल्द 1300 डूडल कॉइन का टारगेट कंप्लीट जो करना था। आगे की और एक्साइटिंग कहानी अगले एपिसोड में, तब तक बने रहे।